हे बॉस यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आ चुके हैं अपनी इस प्यारी सी वन ब्लॉक के वर्ल्ड में। और खैर छोड़ो यार, आपको तो दिख रहा होगा कि मैंने जो अपनी स्किन थोड़ी सी कस्टमाइज़ करी है, तो बताना आप कमेंट्स में कैसी लग रही है मेरी जो स्किन है। और बाकी मैंने अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, अभी मैं आपको सब दिखाऊँगा। अगर आप इधर देखते हो तो इधर हमारा आता है माइनिंग एरिया, यहाँ पे मैं अच्छे से माइनिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे कुछ शीप्स वगैरह मैंने पाल रखी है, और यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं। और यहाँ पे है मेरा छोटू सा बेस, मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मेरा बेड है और यहाँ पे सारे सामान है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने 2000 ब्लॉक माइन कर लिए है, तो ये घर वगैरह मैं इसलिए बना पाया हूँ क्योंकि मैंने 2000 ब्लॉक माइन करे थे। हमारा गोल है कुछ 3000 ब्लॉक हमें माइन करना है, और हमें एक अच्छा सा फार्म बनाना है, एक जंगल बनाना है, और एक सुंदर सा बेस भी बनाना है। इससे तो वो बेटर होना चाहिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं यार वीडियो को। गाइज, अभी मैं सो कर उठ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी डर्ट प्लेस कर दिया ऑलरेडी। और यहाँ पे मेरे पूरे 3 स्टैक डर्ट के ख़त्म हो चुके हैं, देख सकते हो भाई साहब, पूरा मैंने कवर कर दिया डर्ट से। तो अब मुझे स्टोन की हो बनानी है बहुत सारी, और यहाँ पे इसे जोतना है खेत को। तो ओके गाइज, अभी फ़िलहाल जो मैं पानी डालना भूल गया था अपने खेत में, वो भी मैंने डाल दिया है। और मैं बहुत सारे सीड्स और वो भी ले आया हूँ, मेरे चेस्ट में रखे थे बहुत सारे सीड। तो अब देरी किस बात की, फटाफट से यहाँ पे मैं बहुत सारा खेत जोत देता हूँ। तो ओके गाइज, यार अभी फ़िलहाल मैंने पूरा का पूरा फार्म पूरी सीड से भर दिया है, और भाई साहब इसमें मेरे इतने सारे सीड और हो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हमें इससे डबल सीड मिलेंगी और बहुत सारा वीट मिलेगा। खैर अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ और थोड़ी सी माइनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि यार अभी मुझे 3000 ब्लॉक्स तक माइन करना है। तो अभी मैं फटाफट से पहले तो अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर देता हूँ। और हाँ गाइस, ये आप देख रहे हो ना 43 डायमंड्स, इनका हम आर्मर सेट और टूल्स बनाने वाले हैं, लेकिन वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो ओके गाइस, अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ सीधा माइनिंग पे, लेकिन उससे पहले अपना बेड ले जाता हूँ, क्योंकि भाई साहब मैं बार बार तो यहाँ पे आऊँगा नहीं सोने के लिए। तो बेड ले जाता हूँ मैं फटाफट से और चलता हूँ आगे। ओके, तो अब यहाँ पर मैं अपना बेड यहीं पर लगा देता हूँ, और यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। और भाई साहब पहले ब्लॉक माइन करते ही शहनशाह जी आ चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस एक विलेजर आ चुका है, जो कि मेरे ख्याल से फिशरमैन है, नहीं शेपर्ड है। तो इसको भी मैं यहीं पे कैद रखता हूँ, इसके लिए फटाफट से एक कमरा बनाना होगा मुझे, एक टेम्परेरी कमरा बनाता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ कुछ प्लैंक्स, और कुछ गेट भी मुझे बनाने हैं, तो उसके लिए स्टिक चाहिए होगी मुझे। तो ये रहा गेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये गेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये पॉकेट एडिशन में क्या होता है, ये जो विलेजेस होते हैं ये गेट खोल लेते हैं, तो गेट तो वैसे डोर तो खोल लेते हैं, लेकिन जो ये वाला गेट होता है उसको नहीं खोल पाते। पता नहीं क्यों नहीं खोल पाता, लेकिन हाँ नहीं खोल पाते। यहाँ पे मैं अभी इसका इतना ही रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं फटाफट से इसको बुलाता हूँ, लेकिन यहाँ बुलाऊँ कैसे, आइडिया, मैं एक बोर्ड बनाता हूँ।
या फिर एक सेकेंड, रात हो रही है ना अभी। हाँ तो रात में वो बेड पे सोने के लिए आएगा। हाँ तो फटाफट से यहाँ पे मैं बेड ले लेता हूँ अपना और बेड को लगा देता हूँ यहाँ पर। और अब इसको खोलता हूँ। आ जा भाई, आ जा भाई। अरे भाई कितना जिद्दी है ये आदमी। चल बाहर चल, देख रात हो रही है, सो जा वरना देख ज़ॉम्बी वगैरह आ जाएंगे। चल लगता है गाइस ट्रैप डोर हटाने होंगे इसके लिए। ले भाई अब तो ट्रैप डोर भी हटा दी थी, अब तो चल ले। हाँ अब चारा चारा है। ओके ओके, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। देख वे इधर आ। देख गेट खुल रहा है, वहाँ से जा, चल जा। अबे गेट खुल रहा है, अबे भाई नॉनसेंस एकदम। आ जा भाई मेरे यार, लगता है इसको इधर से ही जाना है, तो इधर से इसका रास्ता खोलता हूँ। जा अब तो जा, देख बेड है उधर, सो जा जा जा। तो ओके गाइस, अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक और विलेजर आ चुका है हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं कुछ शीप्स को मार देता हूँ जो यहाँ पर है। ओके एक गई, और तो ओके गाइस अभी फ़िलहाल हमारे घर आ चुकी है मशरूम काओ। तो इसको फटाफट से मैं बाहर ले जाता हूँ। तो आ जा भाई, तो इसको तो चाहिए होगा कुछ वीट, तो मैं फटाफट से वीट लाता हूँ तोड़ के। तो अभी फ़िलहाल शायद से मुझे ये गेट तोड़ना होगा। हाँ तो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, अंदर आ जा अंदर आ जा। ओके तो गाइज मैंने इसे अंदर बंद कर दिया है मशरूम काओ को। अब मैं यहाँ पे फटाफट से अपना गेट लगा देता हूँ। अरे भाई साहब कुछ गुंडे आए हैं यार मेरे वर्ल्ड में। अरे भाई 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 मुझे मारोगे तुम, वर्ल्ड के नहीं वर्ल्ड के मालिक को मारोगे तुम। भाई ये तो एकदम नींद में है भाई, भाई सो जा थोड़ी देर। भाई डॉन बन रहे यार मेरे दुनिया में, भाई ये दुनिया बस मेरी है। ओके गाइस तो फिलहाल यहाँ पे मेरा जो है नेक्स्ट अपडेट आ चुका है। और भाई साहब लगता है मुझे डायमंड के टूल्स पर अपग्रेड करना होगा। ओ भाई साहब, ओ शिट शिट शिट, ओ शिट, अबे ये क्या है, अबे भाई ये क्या बीमारी है, कोई भागो भागो भागो। अबे ये क्या है भाई, ये मेरे ख्याल से वो है जो मोटा वाला गार्डन होता है ना, वो है। तो इसको तो मुझे मारना होगा। ओ भाई ये तो मुझे मार देगा यार। तो सबसे पहले तो मैं खाना खाता हूँ। अब यार मैं इस पे हिट मार नहीं पा रहा हूँ। ओके गाइस तो मैंने इसे मार दिया है। अब फटाफट से मैं अपनी इन्वेंट्री खाली कट कराता हूँ थोड़ी सी। अब यहाँ पे मेरे कुछ ही ब्लॉक्स रह रहे हैं।
फिर मेरे 3000 ब्लॉक्स हो जाएंगे। और यार एक तो इसने मुझे माइनिंग फटीक दे दी है भाई, यार ये क्या बदतमीजी है। इतने यार इन नमूनों को भी मार लेता हूँ। हेलो पिग्गी भैया, डुक्कर भैया कैसे हो? ये पुष्पा है, हेलो पुष्पा कैसी हो? तुम्हारी मूवी तो बहुत हिट हुई थी। और यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे विलेजर सो रहे हैं, और यहाँ पे हमारी मशरूम काओ। अबे भाई गाइजर, मेरे ख्याल से आज के लिए इतने ब्लॉक्स माइन करना ठीक रहेगा, मतलब बहुत रहेगा। मतलब यार 39 ब्लॉक्स रह रहे हैं, फिर हम 3000 पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसे तो कुछ खास नहीं है 39 ब्लॉक्स। तो फटाफट से सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सो जाता हूँ इनके घर पे, और यहाँ पे फटाफट से सो के मैं बनाऊँगा अपना डायमंड आर्मर और टूल्स। मैं इस चीज़ के लिए यार बहुत ही ज़्यादा 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 एक्साइटेड हूँ, डायमंड के टूल्स और आर्मर के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे मैं चलता हूँ और अपने डायमंड्स को उठा लेता हूँ। लेकिन उससे पहले जितना भी कूड़ा है मेरी इन्वेंट्री में वो सब क्लियर कर देता हूँ। ओके गाइस, अभी फ़िलहाल मैंने अपनी पूरी इन्वेंट्री खाली कर दी है। अब मैं बनाने वाला हूँ एक डायमंड आर्मर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपना हेलमेट। मैं बनाऊंगा अपनी टी शर्ट। फिर मैं बनाऊंगा अपनी जीन्स, और फिर मैं बनाऊंगा अपने जूते। ओके, तो फटाफट से यार मैं इसे पहन लेता हूँ। और भाई साहब पूरा का पूरा डायमंड आर्मर मैंने पहन लिया है, और फटाफट से अब मैं कहीं से स्टिक्स ले लेता हूँ। स्टिक्स यहीं के रखी होंगी। हाँ ये रे यार बहुत सारी स्टिक है भाई। यहाँ पे मैं अपनी पिकैक्स बना लेता हूँ, एक्स बना लेता हूँ, शवल, स्वॉर्ड और एक हो। ऑल राइट, और इन डायमंड्स को मैं संभाल के रख देता हूँ। और मेरे ख्याल से मेरे पास और भी डायमंड है, तो उनको भी ले लेता हूँ। अलग अलग चेस्ट में पड़े हैं, जैसे कि इस चेस्ट में एक डायमंड है। और मेरे ख्याल से किसी भी चेस्ट में कोई भी डायमंड नहीं है। मेरे पास बचे हैं टोटल 9 डायमंड्स, तो इन्हें मैं अंदर रखवा देता हूँ और स्टिक्स को भी अंदर रखवा देता हूँ। इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना यार। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर 100 सब्सक्राइबर। आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दिए, थैंक यू सो मच। और बेल आइकन भी दबा ही देना यार, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, मौज लो।